भौतिकवाद का स्वरूप यह है कि हम पूरी तरीके से सृष्टि के नियमों को भूल ना जाए, इसलिए भौतिकवादी है। पर अति भौतिकवादी होकर हम संवेदन विहीन ना हो, इसलिए हमारे को देववाद दिया है। हमारे अंदर की मूल संवेदना जिंदा रहे, इसलिए हमें देववाद दिया है। परंतु पूर्णता देववादी होकर हम प्रकृति के नियम को सांसारिक जीवन की अवहेलना ना करें, इसलिए हमारे को भौतिकवाद दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भौतिकवाद को नियंत्रण करने के लिए आपको देववाद है, और देववाद को नियंत्रण में लाने के लिए आपको भौतिकवाद है।